हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोमिंग फेरल कैट एंड आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ भोपाल सिटी के एक छोटे से टूर पे, जहाँ पे हम अनवील करेंगे कुछ टॉप सीक्रेट्स। तो क्या है ये सीक्रेट्स, ये जानने के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। तो आज हम भोपाल की एक बहुत ही पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप अपने सामने, इसे गोल घर कहा जाता है और ये भोपाल का डेकेड्स ओल्ड प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मैं पिछले कुछ टाइम से सुन रही हूँ कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। क्या कोई यहाँ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं या यहाँ पे कोई भूत मौजूद हैं? काफ़ी सारे ऐसे सवाल मैंने काफ़ी लोगों से सुने हैं और आज मैंने बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लिया है इस गोल घर में जाने का और पता लगाने का कि आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं अंदर और लोग यहाँ आने से क्यों इतना कतराते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें देखिए भोपाल नवाब की सील, जिसे हम इंग्लिश में कोट ऑफ आर्म्स भी कहते हैं। ये बनाई गई थी ब्रिटिश एरा में, जब भोपाल को एज अ प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया था। ये सील यहाँ एक वेलवेट क्लॉथ पे बनी है, काफी बारीकी से जरी एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, जरी भोपाल में इंट्रोड्यूस करी गई थी मुगल्स के द्वारा और ये अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा अपने कपड़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो एंड फिनिश होता है वो काफ़ी रिच और लग्जूरियस होता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जरी के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, जो कि प्रिजर्व करके रखे गए हैं डिस्प्ले के लिए। और यहाँ आपको दिखाई देंगे भोपाल के सबसे पुराने और मशहूर शायर, जैसे कि कैफ भोपाली, असद भोपाली, जान निसार अख्तर, वकील भोपाली और भी काफ़ी सारे पोएट्स के यहाँ आपको पिक्चर्स मिलेंगे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी। और भोपाल में जो शायरी का कल्चर रहा है, जो उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं और सारे पोएट्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। गोलघर की स्थापना की गई थी शाहजहां बेगम की हुकूमत के दौरान, जो कि नवाब बेगम थी भोपाल की। यहाँ के सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है यहाँ का आर्किटेक्चर। इस पूरी इमारत में टोटल 32 यानी कि 32 दरवाजे हैं और हर दरवाजा ज्योमेट्रिकली सेम शेप और साइज का है। और यहाँ हर दरवाजे के सामने एक मेहराब है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक काफी प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जिसे हम इंग्लिश में आर्च भी कहते हैं। चलिए अब हम अंदर देखते हैं कि यहाँ और क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये अंदर से भी पूरा राउंड है और यहाँ इस शोकेस में रखे हैं कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स। तो ये है ट्रेडिशनल भोपाली पर्सेस, जिनको भोपाल में बटुआ भी कहा जाता है। जनरली लोग ये अपना छोटा मोटा सामान और पान में डालने वाली चीजें, जैसे तंबाकू और कत्था रखने के लिए यूज करते थे। ये तस्वीर है शाहजहां बेगम की, जिन्होंने भोपाल को रूल किया था पहली बार 1844 में। और ये है नवाब दोस्त मोहम्मद खान, जो भोपाल स्टेट के फाउंडर और रूलर थे 1707 से लेके 1728 तक। इनका काफी बड़ा हाथ रहा है भोपाल के कल्चर को शेप करने में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेगम आबदा सुल्तान की, जो कि भोपाल के लास्ट रूलिंग नवाब की बेटी थी। तो दोस्तों, भोपाल में बेगम्स ने ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से भी ज्यादा रूल किया था, उनके मेल कंटेंडर्स होने के बावजूद। भोपाल में बेगम्स के हुकूमत की शुरुआत करी थी कुत्सिया बेगम ने और उनके बाद नवाब सिकंदर जहां बेगम ने, जिनको नाइट ग्रैंड कमांडर का टाइटल भी दिया गया था। इन वुमेन रूलर्स ने एक इतिहास रचा था उस जमाने में, जहां औरतों पर ऑपरेशन हो रहा था और समाज में उनको वो जगह नहीं मिल रही थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इनमें से काफ़ी सारी वुमेन रूलर्स ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, जो कि अभी भी अवेलेबल हैं अगर आपको उन्हें पढ़ना हो। क्या आपको भी इनकी हिस्ट्री से इंस्पिरेशन मिल रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे इन बेगम्स ने 107 साल तक भोपाल स्टेट को रूल किया, उसे डेवलप किया और क्या क्या चेंजेस और रिफॉर्म्स ये लेके आए सिटी के बेनिफिट के लिए और वहाँ की वुमेन के बेनिफिट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंप्लीट डिटेल्स के साथ। चलिए, मेरी मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि गोल घर में मुझे तो ना कोई भूत दिखा ना तो कोई सीक्रेट दिखा, अगर दिखी तो वो थी हिस्ट्री, जो कि अपने आप में ही एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट करिए गोल घर और जाके देखिए कि ये मॉन्यूमेंट कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ अंदर कितनी सारे इंफॉर्मेटिव पीसेस हैं। ये है यहाँ का लास्ट पार्ट और यहाँ पे आपको मिलेंगे जो पुराने फैमिली थे उनके फैमिली ट्रीज और उस टाइम के रूलिंग पार्टी के ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन, रॉयल फैमिलीज के लीनियज की भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, जैसे कि टाइटल्स, डेजिग्नेशंस, वर्क टाइमिंग्स, वर्क एथिक्स और यहाँ भोपाल टॉकीज जो कि भोपाल का सबसे पहला मूवी थिएटर था उसके शो टाइम्स और अटेंडीज की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो गाइज, मेरा गोलघर का सफ़र तो काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जैसे कि मैंने मिथ्स सुने थे कि यहाँ पे भूत हैं और यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं और यहाँ लोग आने से डर रहे थे, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आप एकदम बिंदास होकर यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ के जो हिस्ट्री है उसका मज़ा ले सकते हैं और यहाँ के आर्किटेक्चर का भी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हास्ता ला विस्ता।